मशीनें जज्बाती नहीं होती। तौहीद को सिर्फ उसका मकसद प्यारा है, मकसद जिसके लिए मैंने अपनी रोशन तक को खो दिया। किस मकसद की बात कर रहे हो तुम? दो मुल्कों को लड़वाने को मकसद कहते हो? लाखों बेगुनाह इंसानों की बलि चढ़ाने को मकसद कहते हो तुम? क्या पाओगे ऐसा करके? लाशों के ढेर पर खड़े होकर अपनी शैतानियत का ऐलान करोगे कि देखो इस तबाही का जिम्मेदार मैं हूं, इस जमीन की छाती को लहूलुहान मैंने किया। ये कैसी भूख है जो रोटी की बजाय सरहदों को निकलना चाहती है? वो खुदगर्ज जो जंग चाहते हैं उनका कुछ नहीं जाता बेटे। तबाह तो वो लोग होते हैं जिनकी सुबह रोटी की तलाश में शुरू होती है और रात थकान के बिस्तर पर। मुल्क चाहे जो भी हो उसमें रहने वाला एक भी इंसान नहीं चाहता कि जंग हो, और जो मुल्क जंग लड़ रहे हैं उनका अंजाम दुनिया देख रही है। उनकी जमीनों पर अनाज नहीं, भूख उगती है। दरख्तों पर फल नहीं, बारूद की धूल मिलती है। जो मर जाते हैं उनकी आंखें कांधा देने वालों के इंतजार में खुली रहती हैं, और जो बच जाते हैं वो इतने सहमे हुए रहते हैं कि माचिस की एक तीली जलने पर कांप उठते हैं वो। अगर मकसद की बात करते हो तो रोको, रोको उन आर्यों को जो इंसानियत की जड़ें काट रही हैं, और काट डालो उन हाथों को जो मौत का सामान बांट रही हैं। तुम्हें देखकर ये गुमान होता है कि तौहीद कोई इंसानी जिस्म नहीं किसी मशीन का नाम है, जिसमें खुशी गम दर्द और रहम नाम का कोई भी पुर्जा नहीं। इसलिए मशीनें गद्दार नहीं होती जनाब। फरमाइए किस मिशन के लिए याद किया? भारत के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान आकर दोस्ती का जो लड्डू हमारे वजीर आजम को खिलाया है, हम उसे उनके गले से उतरने नहीं देंगे। इसलिए अब तुम्हें हिंदुस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तानी वजीर आजम का कत्ल करना है, क्योंकि हमारे वजीर आजम साहब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की दावत पर भारत तशरीफ ले जा रहे हैं ताकि दोनों मुल्कों की नफरत को प्यार में बदला जाए, इंतकाम को भुलाकर इत्तेहाद पैदा किया जाए, प्यार और अमन की संग बुनियाद रखी जाए। बकवास, उन्हें तो खत सवार है कि लोग उन्हें गांधी की तरह अमन के फरिश्ते की शक्ल में याद करें। उनके सर पर ताज और हम पर दुश्मनों का राज, बिल्कुल नहीं। उन्होंने हाथ काटा है, हम सर कलम कर देंगे। हमसे बांग्लादेश अलग हुआ है, हम कश्मीर लेके रहेंगे। कल ठीक 2 बजे यहां बहुत बड़ा कौमी एकता का जलसा होने वाला है, जिसमें हिंदू मुसलमानों को मोहब्बत का पैगाम दिया जाएगा। और सुनने पे सुहागा ये कि बहुत सारे हिंदुस्तानी बच्चे यहां से पाकिस्तान गए और बहुत सारे पाकिस्तानी बच्चे यहां हिंदुस्तान आए हैं, ताकि आपस की नफरत को भुला के भाईचारा और प्यार बढ़ सके। मगर हमारा बिछाया हुआ बारूद उनके इस नेक इरादे को कामयाब नहीं होने देगा। और बच्चों के मरने के बाद तो दोनों मुल्कों की नफरत इंतहा में बदल जाएगी। इधर ला, अपना मिशन पूरा करने के बाद तुम दुनिया के किसी भी मुल्क में आराम से जाके बस सकते हो खुशबू लगा के। ये रहे अलग अलग मुल्कों के पासपोर्ट, अब तैयारी करो तौहीद। कमाल है, ओए ये तो हूबहू तेरी तरह दिखता है। साइंस ने बहुत तरक्की कर लिया शाहजी, चेहरे पे चेहरा इस तरह चढ़ देते हैं कि असल और नकल का फर्क ही खत्म हो जाता है। यू आर अंडर अरेस्ट। आखिरी बार मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ऑपरेशन 161CM का क्या मतलब है? व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? मैं हजार बार कह चुका हूं कि मुझे इस कोड का मतलब नहीं मालूम, नहीं मालूम। Then who the bloody hell knows it? किसे मालूम है ये? तौहीद को। कबीरा,
हाँ ब्रार साहब, दो जुड़वा भाइयों की अजीबोगरीब दास्तान है जिसका शिकार लगातार ये होता रहा है। आज अगर आपने इसकी बात पर यकीन नहीं किया तो इसका असर देश पर भी पड़ सकता है। लेकिन यकीन करने के लिए भी बेस तो होना चाहिए ना। बेस है ब्रार साहब, डॉक्टर दस्तूर। हो सकता है उसके जरिए अजय का दिमागी तार उसके जुड़वा भाई तौहीद से मिल जाए और हमें यह पता चल जाए कि इस वक्त तौहीद कहां है और क्या कर रहा है। लेकिन सर, ऑपरेशन 1613M डिकोड कर लिया गया है। मर्डर ऑफ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की हत्या हिंदुस्तान में। कॉन्टैक्ट एयर कंट्रोल, कॉन्टैक्ट द जनरल, कॉन्टैक्ट इस्लामाबाद, एनीबॉडी हुज रिस्पॉन्सिबल, गेट हिम ऑन द लाइन, फास्ट, कम ऑन फास्ट। ब्रावो साहब, मेहरबानी करके दस्तूर को एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत दीजिए। नो नो, आई हैव नो टाइम फॉर एनी एक्सपेरिमेंट। हो सकता है तौहीद इस मिशन पे हो। हम अंदाजों पर नहीं चलते। कभी कभी अंदाज सच हो सकते हैं सर। आई डोंट यू अंडरस्टैंड कबीरा, अजय मल्होत्रा इज अ डैम हार्डकोर क्रिमिनल। अगर उस एक्सपेरिमेंट का फायदा उठाकर ये वहां से भाग निकला और प्राइम मिनिस्टर को कुछ हो गया, देन हू द ब्लडी हेल विल बी रिस्पॉन्सिबल। उसका जिम्मेदार कौन होगा? कौन होगा उसका जिम्मेदार? मैं होऊंगा जिम्मेदार, मैं जिम्मेदार हूंगा। मैं मेरा फर्ज जिम्मेदार होगा। जिम्मेदार होगी मेरी ये फर्जी, जिम्मेदार होंगे मेरी छाती पर लगे हुए धमके, जिम्मेदार होगा मेरा कटा हुआ ये बाजू। जिम्मेदार होगी एक बाप की कुर्बानी, जिम्मेदार होगा एक मां का वो दूध जो लहू बनकर इसकी रगों में दौड़ा है। और अगर ये सर जिम्मेदारियां भी कम पड़ जाती हैं तो इसकी जगह मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिएगा ब्रार साहब। ओके कबीरा, ठीक है, आई गिव इट अ ट्राई। थैंक यू ब्रार। पुकारो मुझे भाई कहकर, तकलीफ होती है। रिश्तों की जंजीरों से तो बचपन में ही आजाद कर दिया गया था मैं। घर की जगह ट्रेनिंग कैंप, खिलौनों की जगह हथियार, दिल सांस लेने का पुर्जा और दिमाग, दिमाग तबाही मचाने वाली एक मशीन है मेरे लिए। और मशीनें जज्बाती नहीं होती। तौहीद को सिर्फ उसका मकसद प्यारा है, मकसद जिसके लिए मैंने अपनी रोशन तक को खो दिया। किस मकसद की बात कर रहे हो तुम? दो मुल्कों को लड़वाने को मकसद कहते हो? लाखों बेगुनाह इंसानों की बलि चढ़ाने को मकसद कहते हो तुम? क्या पाओगे ऐसा करके? लाशों के ढेर पर खड़े होकर अपनी शैतानियत का ऐलान करोगे कि देखो इस तबाही का जिम्मेदार मैं हूं, इस जमीन की छाती को लहू लुहान मैंने किया। ये कैसी भूख है जो रोटी की बजाय सरहदों को निकलना चाहती है? वो खुद कर जो जंग चाहते हैं उनका कुछ नहीं जाता बेटे। तबाह तो वो लोग होते हैं जिनकी सुबह रोटी की तलाश में शुरू होती है और रात थकान के बिस्तर पर। मुल्क चाहे जो भी हो, उसमें रहने वाला एक भी इंसान नहीं चाहता कि जंग हो। और जो मुल्क जंग लड़ रहे हैं उनका अंजाम दुनिया देख रही है। उनकी जमीनों पर अनाज नहीं, भूख उगती है। दरख्तों पर फल नहीं, बारूद की धूल मिलती है। जो मर जाते हैं उनकी आंखें कांधा देने वालों के इंतजार में खुली रहती हैं, और जो बच जाते हैं वो इतने सहमे हुए रहते हैं कि माचिस की एक तीली जलने पर कांप उठते हैं वो। अगर मकसद की बात करते हो तो रोको, रोको उन आर्यों को जो इंसानियत की जड़ें काट रही हैं, और काट डालो उन हाथों को जो मौत का सामान बांट रही है। मार जाओ या मार दो खुशबू लगा के। मेरी गोलियां खत्म हो गई है जनाब। हेलीकॉप्टर लेकर प्लेन में घुस जाओ। लेट्स गो बैक। और कौन है तू? ओए तू जिंदा है खुशबू लगा के? आज खुशबू नहीं लगेगी। जनाब, यही है वो शैतान जो इंसानियत का दुश्मन है, दोनों मुल्कों का दुश्मन है। भागो।
मेरी आवाज सुन रहे हो कि नहीं? जब्बार क्या हुआ? वजीर आजम मरा या नहीं? वजीर आजम मरा या नहीं? जब्बार जब्बार जवाब दो, जब्बार 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 जवाब दो, जब्बार अरेस्ट हिम। चाहती है जनाब, दोनों मुल्कों की आवाम यही चाहती है। सैकड़ों वर्षों से संतों और दरवेशों ने हिंदुओं और मुसलमानों को एक डोर से बांधे रखा, मगर चंद सियासतदानों ने हमारे भाईचारे का बंटवारा कर दिया। एक ही घर में दो नामों की तख्तियां टांग दी, भारत और पाकिस्तान। झगड़े होते हैं, दीवारें पड़ती हैं, लेकिन एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन नहीं बन जाता। हम अलग अलग सही हैं, लेकिन हमारे रिश्तों की जड़ें दीवार की इस तरफ भी हैं, उस तरफ भी। नफरत से बनी इस दीवार में इतना वजन नहीं कि वो हमारे रिश्तों को दफन कर सके। अरे जब बर्लिन की दीवार गिरा दी गई तो इस दीवार का वजूद ही क्या है? जनाब, अब आवाम खुद मिलना चाहती है, खुद मिलना चाहती है।